जय हिंद दोस्तों। आज बात करते हैं शब्द विचार के पहले भेद उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर। इसके भी पांच भेद होते हैं। पहले बात करते हैं तत्सम शब्द। पहला है तत्सम शब्द। पहला है तत्सम शब्द। इसकी परिभाषा है वे शब्द जो हिंदी में संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। डिफीट अगेन, इसकी परिभाषा है वे शब्द जो हिंदी में संस्कृत से ज्यों का त्यों लिए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। उदाहरण है इसका, जैसे आज्ञा ऋषि, आज्ञा ऋषि मुनि, आज्ञा ऋषि मुनि कंठ, स्वर्ग, ये शब्द क्या है कि संस्कृत से हिंदी में जो कत्यो लिए गए हैं। कंठ, स्वर्ग, अग्नि, सूर्य, अग्नि सूर्य इत्यादि। इन शब्दों का प्रयोग संस्कृत में था, इन्हें बिना परिवर्तन किए हुए बिना इन्हें हिंदी में प्रयोग किया गया है। दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द की परिभाषा है वे शब्द जो लिए तो संस्कृत से ही गए हैं लेकिन हिंदी में आने पर उनके रूप बदल गए हैं। हिंदी में आने पर उनके रूप बदल गए हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। उदाहरण है जैसे जैसे आर आर, इसको संस्कृत में अग्नि है, तत्सम इसका अग्नि है, तद्भव क्या है आर। दूसरा उदाहरण है खीर, इसे तत्सम में छीर कहते हैं। तीसरा है चांद, इसका होगा चंद्र, तत्सम इसे चंद्र कहते हैं। और से घड़ा, और इसे क्या कहते हैं तत्सम में घटा, घड़ा घटा। गांव, इसे तत्सम में कहते हैं ग्राम, ग्राम। धीरज, धीरज इसे तत्सम में क्या कहते हैं धैर्य। आग का अग्नि, खीर का क्षीर, चांद का चंद्र, घड़ा का घटा, गांव का ग्राम तथा धीरज का धैर्य। तीसरा है देशस्थ। देश शब्द की परिभाषा जो शब्द हमारी बोलचाल या देश की अन्य भाषाओं से लिए गए हैं उन्हें देश शब्द कहते हैं। रिपीट अगेन, देश शब्द की परिभाषा है वे शब्द जो हमारी बोलचाल या देश की अन्य भाषाओं से लिए गए हैं उन्हें हम देश शब्द कहते हैं। देश शब्द का उदाहरण है खटिया, ग्रामीण अंचल की भाषा है, खटिया, लोटा, झाड़ू, झाड़ू पोछा, खटिया, लोटा, झाड़ू पोछा, डिबिया, डिबिया, कटोरा, डिबिया, कटोरा, थैला, थैला, खचा खच, खचा खच इत्यादि। ये भाषाएं ग्रामीण अंचल की भाषाएं हैं।
जैसे खटिया, लोटा, झाड़ू, पोछा, डिबिया, कटोरा, थैला, खाचा, खाच इत्यादि। चौथा है विदेशक शब्द। विदेशक शब्द की परिभाषा दोस्तों, वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं विदेशक शब्द कहलाते हैं। जैसे जैसे है जापानी, जापानी भाषा से कौन सा शब्द लिया गया है, जापानी भाषा से लिया गया है रिक्शा। रिक्शा कौन सी भाषा का है, जापानी भाषा का रिक्शा। अंग्रेजी भाषा का है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है चॉकलेट, चॉकलेट, कार, चॉकलेट कार, रेल, बैंक। कौन सी भाषा के शब्द है, अंग्रेजी भाषा के शब्द है। अरबी भाषा, अरबी, अरबी भाषा के शब्द है आदमी, 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 मरीज, तारीख, तारीख और से गरीब। गरीब भी कौन सा है, अरबी भाषा का शब्द है। फारसी, फारसी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है गुब्बारा, गुब्बारा, शादी, शराब, गुब्बारा, शादी, शराब, दरवाजा। दरवाजा भी फारसी भाषा का शब्द है दरवाजा। अब बात करते हैं पुर्तगाली, पुर्तगाली भाषा, पुर्तगाली भाषा का शब्द है गमला और तौलिया, गमला और से गमला और तौलिया। विदेशक शब्द वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, विदेशक शब्द कहलाते हैं। विदेशक शब्द का उदाहरण है जापानी, जापानी भाषा का रिक्शा है। अंग्रेजी, अंग्रेजी भाषा के हर शब्द को प्रयोग करते हैं चॉकलेट, कार, रेल और समय। अरबी भाषा के शब्द हैं आदमी, मरीज, तारीख और गरीब। फारसी भाषा के शब्द हैं गुब्बारा, शादी, शराब और दरवाजा। पुर्तगाली भाषाओं के शब्द हैं गमला और तौलिया। इनका प्रयोग हम आम जनमानस वातावरण में करते हैं। पांचवा है संकर शब्द। संकर शब्द की परिभाषा दोस्तों, जब दो अलग अलग भाषाओं के मेल से एक नया शब्द बनता है उसे संकर शब्द कहते हैं। संकर शब्द का उदाहरण है जैसे जैसे फारसी धन हिंदी। कौन कौन सी भाषा है, फारसी धन हिंदी, फारसी धन हिंदी। फारसी का शब्द है द्वे और से हिंदी शब्द है डोल। कौन सा शब्द बन जाता है, बे डोल। कौन सा शब्द बन गया, बे डोल। अब अंग्रेजी धन संस्कृत, अंग्रेजी धन संस्कृत। अंग्रेजी शब्द हुआ रेल और संस्कृत शब्द हुआ यात्री, शब्द बन गया रेल यात्री। रेल हुआ अंग्रेजी का शब्द और संस्कृत हुआ यात्री, मतलब यात्री हुई संस्कृत भाषा का शब्द। और अंग्रेजी धन हिंदी, अंग्रेजी धन हिंदी के मेल से बना है, अंग्रेजी धन हिंदी के मेल से शब्द बना है सिनेमा। सिनेमा कौन शब्द है,
अंग्रेजी में शब्द सिनेमा और घर कौन सा शब्द है हिंदी, तो बन गया शब्द सिनेमा, सिनेमा घर। और उदाहरण है कुछ, और उदाहरण है संस्कृत धन हिंदी, संस्कृत भाषा और हिंदी के मिलकर कौन शब्द बना है, संस्कृत धन हिंदी, संस्कृत धन हिंदी के मिलकर बना है उद्योग, उद्योग संस्कृत शब्द है उद्योग, और से पति हिंदी शब्द है, तो कौन शब्द बन गया उद्योगपति, उद्योग पति। और एक कारण है अरबी भाषा तथा फारसी भाषा से मिला हुआ शब्द, अरबी धन फारसी, अरबी धन फारसी, अरबी भाषा से मिलकर बना हुआ शब्द है नेक धन नियत, नियत कौन शब्द है फारसी शब्द है, नेक धन नियत बराबर हुआ नेक नियत। शंकर शब्द की परिभाषा है वे शब्द जो दो अन्य भाषाओं के मेल से बने हुए हैं तथा मेल के बाद एक तीसरा नया शब्द बन जाता है उसे शंकर शब्द कहते हैं। संस्कृत धन हिंदी से उद्योग धनपति, अरबी भाषा का शब्द नेक फारसी का नियत, नेक धन नियत। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे शब्दों के विचार के दूसरे भेद व्युत्पत्ति के आधार पर।